नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से एक नई और ताज़ा वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 24 जुलाई सोमवार आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में कि 24 जुलाई सोमवार के दिन आपके लिए कैसा रहेगा, इस दिन कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, कौन सा कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, इस दिन ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपके राशि पर क्या होगा। साथ ही जानेंगे इस दिन आपका शुभ रंग और शुभ अंक क्या रहेगा, कितना प्रतिशत भाग्य आपका साथ निभाएगा और किस तरह से प्लान करके चलें ताकि दिन बने सबसे खास सबसे बेहतर। लेकिन उससे पहले आज के ग्रह नक्षत्र और पंचांग के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आज दिनांक 24 जुलाई 2023, दिन सोमवार। तिथि की अगर बात करें तो शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 1:45 तक रहेगा और इस दिन हस्त नक्षत्र का निर्माण हो रही है। आज का अभिजित मुहूर्त का समय 12:07 से 12:59 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का अशुभ समय 7:36 से 9:15 तक रहेगा। इस राहु काल में कोई भी नए कामों की शुरुआत ना करें, नहीं तो विघ्न बाधा आ सकती है। अब बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा की। तो सूर्य कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमा कन्या राशि में संचार करेगा पूरे दिन रात। आइए बात करते हैं आपका दैनिक राशिफल और यह प्रेडिक्शन आपके चंद्र राशि पर आधारित है। वृश्चिक राशि वालों, अगले 24 घंटे में यह खतरनाक योग आपको सभी प्रकार के क्षेत्रों में आमदनी देगा। आपको यह अनुभव कराएगा कि आप भी किसी से कम नहीं है। यह खतरनाक योग आपके हौसले को बढ़ावा देगा, आपका हौसला बुलंद करेगा। जी हाँ दोस्तों, कोई अगर फूड से जुड़ा कार्य करते हैं, रेस्टोरेंट ढाबा चलाते हैं, तो इस समय उनके लिए बहुत अच्छा है। आपको इस बात पर ज़रा ध्यान देना है कि आपको अपने स्टाफ के कर्मचारियों पर थोड़ा सा नज़र बनाए रखनी होगी, नहीं तो आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको बड़ा नुकसान करवा सकती है। इस बात का ज़रा ध्यान आप ही को रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए आज का दिन बेहद खास होने वाला है। आज आपको अनेकों प्रकार से धन कमाने के मौके मिलेंगे। सितारे कहते हैं यात्रा के योग बन रहे हैं, जो कि आपको लंबी दूरी यात्रा करनी पड़ सकती है और यात्रा आपके लिए लाभदायक और सफल रहेगा। बस अनजान व्यक्ति से थोड़ा सा सावधान रहें, कुल मिलाकर समय आपके लिए बहुत खास रहेगा। इसके उपरांत सितारे कहते हैं कोई नया काम शुरू करने के लिए आज का दिन विशेष रूप से अच्छा है। अगर आप अपनी नौकरी या कैरियर में कोई बदलाव करने या कोई नया संबंध बनाने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, तो आज से अच्छा दिन कोई भी दिन नहीं हो सकता। अगर आपको उसमें कोई जोखिम लगता भी है, तो भी एक मौका ज़रूर लें और सब कुछ जैसे आप चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही होने की पूरी संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, सितारे कहते हैं कि अब समय आ गया है कि आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर उन मुद्दों को सुलझाने में जो अभी हाल फिलहाल दोनों को परेशान करते आ रहे हैं। ये बात आप दोनों की भावनाओं और एक दूसरे के प्रति समर्पण को लेकर हो सकती है। यह सामान्य से दिखने वाले घरेलू मुद्दों के बारे में हो सकती है, जिससे आप दोनों नज़रअंदाज करती आ रहे हैं। सच बात यह है कि आप दोनों को ही मिलकर कोई कदम उठाना होगा, तभी आप उसमें सफल रह पाएंगे। कोई चीज़ अगर आप एक दूसरे के मन में चल रही है, तो दोनों मिल बैठकर उनको सुलझाने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत सितारे कहते हैं कि आज आप वह प्यार और खुशी पाएंगे जो आप अपने कार्य क्षेत्र में महसूस करते थे। बाहरी दबावों और काम के बोझ की वजह से वह खुशी कहीं दब सी गई थी, पर एक खुशनुमा पल आपको यह एहसास कराएगा क्योंकि आप अपने कार्य क्षेत्र में चुना था और ये क्यों आप पर इतना जचता है।
आज का दिन अपने कार्य क्षेत्र में अपना रवैया बदलने के लिए अति उत्तम है। देखिए दोस्तों, अगर आप जिस क्षेत्र से कार्य कर रहे हैं उसमें आपको लाभ नहीं हो रही है, कुछ बदलाव नहीं हो रही है, तो आपको उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, नहीं बल्कि उसे छोड़ने की। क्योंकि दोस्तों, पेड़ हमेशा पत्ते ही बदलते हैं, शाखा नहीं। इसलिए आपको काम को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उन कामों को करने का जो ढंग है, जो तरीका है, उसको आपको बदलने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप छोटी सी बात के बारे में सोच विचार करके परेशान हो सकती हैं। ऐसा सोचना प्रकृति है, लेकिन इससे आपके घर और कार्यस्थल की शांति और कार्य की गति प्रभावित होंगी। इस समय अपने लक्ष्य को जो है सोच समझकर छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज कर देने का समय है। जीवन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज कर देना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगी, अब समय आ गया है कि आप अपना एक कदम पीछे हटकर शांति से अपने संबंध को तर्क की कसौटी पर भी रखें और आप अपने पार्टनर के बारे में मिली किसी सूचना को नज़रअंदाज करते आ रहे हैं, लेकिन यह जान लें कि ऐसा करने से उसकी अहमियत या प्रभाव खत्म नहीं हो जाएगा। अपने संबंध के बारे में विश्लेषण करते हुए आप उसी पर भी ध्यान रखना चाहिए और इस समय कुछ कठोर फैसले लेने पड़ सकते हैं जो कि आने वाला भविष्य के लिए आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके कैरियर बिजनेस के लिए जो समय होंगे, आपके कार्यस्थल पर आप पर कुछ घमंड में अपनी उपलब्धियों को गिना सकता है, परंतु आप बुरा न माने, क्योंकि वह आपको बुरा महसूस कराना चाहता है। दूसरों की बातों में आपको इस समय नहीं लगना है। लोग आपको भड़काएंगे, गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरों की बातों में आपको नहीं चलना है। अपने इन अनुपात में पहले ही उन उपलब्धियों को छुपा है। वित्तीय खर्चे पर आपको पहले ही उसकी ज़रूरत या उससे ज़्यादा ही मिला है, जिससे आप संयोज कर आगे रख सकती हैं। धन में इस समय आपकी बढ़ोतरी होगी, जो कि साथ साथ आपके खर्चे भी बढ़ सकती हैं। आपको इस पर थोड़ा ध्यान देना है कि खर्च आपको ज़रूरत के हिसाब ही करना है और कुछ धन भविष्य के लिए संचय करके रखना आने वाले समय में आपको बहुत काम आएगा। पैसा एक ही भाषा कहते हैं कि मुझे आज बचा लो, कल मैं तुम्हें बचा लूँगा। फिर पैसा कहता है कि मैं भले तुम्हारे साथ ऊपर तक नहीं जाऊंगा, जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा मैं दुनिया से सबसे ऊपर आपको लेकर जाऊंगा। इसलिए धन को बचाना सीखिए, आप जीवन में सफल रहेंगे। दोस्तों, अगर इन जानकारियों से आप सहमत हैं, जानकारियां आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर प्रदान करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अभी के लिए आप सभी को धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अब बात करते हैं शुभ रंग और शुभ अंक की। तो आज आपका शुभ रंग है केसरिया कलर और शुभ अंक है 9। भाग्य साथ निभाएगा तकरीबन 68%। तो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, दिन आपका शुभ हो, दिन आपका मंगलमय हो। धन्यवाद।